ऋषि वशिष्ठ के पोते ऋषि पराश ने अपने पिता शक्ति के एक राक्षस द्वारा निधन के बारे में जानकर दुनिया को बर्बाद करने का फैसला किया था। तब ऋषि वशिष्ठ ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए ऋषि औरव की कहानी का एक उदाहरण दिया था। आइए अब कहानी के बारे में जानते हैं। एक बार कृतवीर्य नाम का एक राजा थे जो भार्गव ब्राह्मणों के स्वामी थे। सोम यज्ञ करने के बाद राजा इन ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारा धन चढ़ाते थे। राजा की मृत्यु के बाद उनके वंशज अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के इरादे से उन ब्राह्मणों के पास गए। कुछ ब्राह्मणों ने क्षत्रियों की आवश्यकता के अनुसार धन प्रदान किया और कुछ ने भय के कारण, कुछ भार्गवों ने इन क्षत्रियों को अपमानित किया और कुछ ने अपनी संपत्ति को जमीन के नीचे छिपा दिया। हालांकि सभी क्षत्रियों को उन दफन खजाने के बारे में पता चला और उन्होंने कई ब्राह्मणों को अपने बाणों से मार डाला। क्षत्रियों ने उन लोगों को भी अपमानित किया और मार डाला जिन्होंने पहले ही उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने बच्चों को भी नहीं बख्शा। संपूर्ण भृगु वंश का विनाश देखकर उन ब्राह्मणों में से अधिकांश ब्राह्मण हिमालय की गुफाओं में छिप गए। एक भयभीत गर्भवती पत्नी ने अपनी एक जांग काट दी और अपने पति के वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक वर्ष के लिए उसके अंदर गर्भ को बचा लिया। ब्राह्मणों की बाकी पत्नियां यह जानकर घबरा गईं और क्षत्रियों को इसके बारे में बताया। क्षत्रिय तुरंत उसके गर्भ को मारने के लिए वहां पहुंचे। उसी क्षण उस ब्राह्मण पत्नी की जांग से एक महान बालक निकला और उसने अपने तेज से इन सभी क्षत्रियों को अंधा कर दिया। अपनी आंखें खोने के बाद क्षत्रियों ने उस तेजस्वी ब्राह्मण पत्नी के पास उन्हें अपनी दृष्टि वापस देने की याचना की। हालांकि उस ब्राह्मण पत्नी ने उल्लेख किया कि यह वो महान बच्चा था जिसने उनकी दृष्टि ली, जो गर्भ में रहकर ही तपस्या सीखे थे। उसने भार्गव ब्राह्मणों की मौत का बदला लेने के लिए उस कृत्य को अंजाम दिया था। ब्राह्मण पत्नी ने क्षत्रियों से कहा कि वे बालक से अनुरोध करें। क्षत्रियों ने ऐसा किया और अपनी दृष्टि वापस प्राप्त कर ली। चूंकि बालक का जन्म औरु या जांग से हुआ था, इसलिए उनका नाम औरव रखा गया था। बाद में औरव ने अपने मृत पूर्वजों के प्रति सम्मानजनक होने के कारण क्षत्रियों से बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्प किया। परिणाम स्वरूप कठोर तपस्या का अभ्यास किया और अपनी शक्ति से कई देवताओं, राक्षसों और लोगों को परेशान किया। उनके पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें क्षत्रियों और अन्य लोगों के विनाश से रोका और घोषणा की कि हम लोग उस समय इन क्षत्रियों का सामना करने में असमर्थ थे और हम मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अलावा जमीन के नीचे धन को छिपाने के लिए हम ब्राह्मणों की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कुबेर ने खुद हमारे लिए बहुत धन पहले प्रस्तुत रखा था। इसलिए हमने क्षत्रियों को इस तरह से परेशान करना पसंद किया ताकि सभी पुराने भार्गव क्षत्रियों के हाथों मरे और स्वर्ग को प्राप्त करें। अपने पूर्वजों से यह सब सुनने के बाद भी और उन पापियों को दंड देने के बारे में निश्चित थे। उन्होंने यह कहा कि भार्गव के रिश्तेदारों और बच्चों की मृत्यु पर वे अपनी माँ का शोक हमेशा सुनते थे और उन्हें पता था कि उनका क्रोध अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहने पर उनको ही नुकसान पहुंचा सकता है। वो यह भी जानते थे कि वो इन दुष्ट लोगों को रोकने और उन्हें अपनी तपस्या शक्ति के माध्यम से भस्म करने में सक्षम है। पूर्वजों ने तब औरव को समुद्र के पानी के अंदर क्रोधाग्नि को छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि औरव इसे अपने भले के लिए करें, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड पानी के अंदर स्थापित है और साथ ही उससे विकसित भी है। इस तरह औरव की शपथ पूरी होगी और उनके क्रोध से किसी को नुकसान नहीं होगा। औरव ने अपने पूर्वजों के अनुसार काम किया और अपना वादा भी निभाया। ऐसा कहा जाता है कि क्रोध की आग अभी भी घोड़े के चेहरे की संरचना लेकर समुद्र के पानी को घेर लेती है। वो वाड़वा समुद्र का सारा पानी पीते हुए आग उगलता है। वशिष्ठ से ऋषि औरव की कहानी सुनने के बाद क्रोधित ऋषि पराश ने सभी लोगों को नष्ट करने के लिए अपना मन बदल लिया। हालांकि उन्होंने राक्षसों को नष्ट करने के लिए यज्ञ किया और बाद में ऋषि पुलस्त्य से सभी ब्राह्मणों के पवित्र कृत्यों के बारे में सुनकर और
बाद में पिता शक्ति का सौहार्दपूर्ण स्वर्ग में रहना जानकर राक्षसों सहित सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति रखा और यज्ञ रोक दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।